ब्रेकअप्स बहुत पेनफुल होते हैं, इस बात को हम जानते हैं। हमारा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा होता है, किसी के साथ हम काफ़ी वक्त से बात कर रहे होते हैं, काफ़ी अच्छा समय बीत रहा होता है, टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है। वो इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता, या मे बी उस इंसान ने आपको चीट किया, कुछ ऐसा किया जो आपको बार बार परेशान करता है, इसीलिए आप नहीं चाहते कि उस इंसान के साथ रहें। चीज़ें, बातें कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन ये सच्चाई हो गई कि अब आपका ब्रेकअप हो गया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक जेंटलमैन की तरह, एक अच्छे इंसान की तरह ब्रेकअप को कैसे हैंडल किया जाता है। अगर ब्रेकअप गलती से हो भी जाता है तो उसको खुशी खुशी और बहुत ही चालाकी से, बहुत ही सावधानी से, बहुत ही बुद्धिमत्ता से उसको कैसे हैंडल किया जाता है, तो कुछ बातें आपके साथ मैं आज शेयर करूंगा। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे और आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, ट्रस्ट मी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बढ़ते हैं टिप नंबर वन की तरफ। टिप नंबर वन ये है कि आप एक्सेप्ट करो कि ब्रेकअप हो चुका है, और ये भी एक्सेप्ट करो कि आपको थोड़ी परेशानी तो होगी ही, चाहे गलती आपकी हो, चाहे गलती उसकी हो, किसी की भी गलती हो, या हम गलती की बात ही नहीं कर रहे हैं, या कोई भी फॉल्ट हो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि वो रिलेशनशिप काम नहीं किया तो परेशानी तो होगी, क्योंकि रिलेशनशिप एक अच्छी आपकी मेमोरी थी, अब वो नहीं रही तो आपको परेशानी होगी, इस बात को एक्सेप्ट कर लो। आपको कुछ दिन तकलीफ होगी, आपके दिमाग में चीज़ें दौड़ेंगी, आप फिर कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, उससे फिर से कॉन्टैक्ट करने की, और आपको क्यों नहीं करना चाहिए इसकी वजह मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में दौड़ेंगी और ये सब सबके साथ होता है, ये नॉर्मल है, इसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं, नॉर्मल है, इंसानी दिमाग के साथ होता है। किसी के साथ भी अटैचमेंट हो जाती है तो परेशानी होती है, राइट? आपकी अटैचमेंट उसके साथ थी, अब आप उसके साथ नहीं रहते तो परेशानी होगी। तो पहली चीज़ एक्सेप्ट करो कि ये हो चुका है। टिप नंबर टू, आपको अपनी जो फीलिंग्स है उसे छुपाना नहीं है। कई लोग अंदर से बहुत सैड होते हैं, घुट रहे होते हैं अंदर ही अंदर, लेकिन बाहर वो नहीं दिखा सकते, अपनी फैमिली को नहीं दिखा सकते। क्या करेंगे, फैमिली के सामने जोर जोर से रोएंगे मेरा ब्रेकअप हो गया, और फैमिली वाले और पीटेंगे, तो नहीं कर सकते। तो कई लोग क्या होते हैं, अपने अंदर छुपा के रखते हैं उस चीज़ को, फ्रेंड्स को भी नहीं बताते, किसी को भी नहीं बताते कि हमारे साथ ऐसा ब्रेकअप हो गया, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, घुटते रहते हैं, और वो जो परेशानी होती है वो धीरे धीरे और बढ़ती चली जाती है। तो आपको करना ये है कि आप ऐसे व्यक्ति जिसको आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, आपको ज़्यादा सपोर्ट करता है, वो एक व्यक्ति हो सकता है, आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, उनके साथ बैठिए और उनको ये बताइए कि मेरे साथ ये हो गया, और फूट फूट कर रोइए। आपको ये थोड़ा ख़राब लग रहा होगा सोच के, कोई बात नहीं, आप फूट फूट कर रोइए, उनके सामने रोइए, जितना चिल्ला सकते हो, ये हो गया, वो हो गया, अबे मैंने ये नहीं किया, ये नहीं किया, क्या नहीं किया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, पूरी भड़ास निकाल दो। चाहे अकेले में भी कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा शर्म आती है लड़कों के सामने रोने से, क्योंकि लड़के, हमारे यहाँ ये बना हुआ है कि लड़के रोते नहीं हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इमोशनल होना बुरी बात नहीं है, जो लोग रोते नहीं हैं वो कमज़ोर होते हैं, मैं आपको बता दूँ। तो आप रो लीजिए, अच्छे से फूट फूट कर रो लीजिए, जितना चिल्लाना है, चीखना है, जो करना है कर लो, किसी को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। ये नहीं कि आप मारो जाके उसको, ये गलत है। अपने अंदर ही जो भी कुछ, अपने आप को भी नुकसान नहीं पहुँचाना, रो सकते हो, जो भी आपकी भड़ास है वो आप निकाल सकते हो। तो ये सेकेंड चीज़ आपको करनी है, इससे आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा, थोड़ा रिलीव्ड आप महसूस करेंगे। अगली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि कई लोग ये समझ लेते हैं ब्रेकअप के बाद कि उनमें कोई कमी है, वो ये सोच लेते हैं, अरे यार मैं शायद दिखता अच्छा नहीं हूँ इसलिए वो लड़की ने मना कर दिया, यार ऐसा हो सकता है कि शायद मैं बोलता ठीक नहीं हूँ इसलिए उसने मना कर दिया, यार मेरी हाइट कम है शायद इसलिए उसने मना कर दिया, यार मैं अच्छे फैमिली से नहीं हूँ, ना पैसा नहीं है मेरे पास यार, इसलिए उस लड़की ने मना कर दिया। ये सोचना बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। इससे आपकी आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो कम हो जाती है, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम है, ये कम हो जाती है। आप उस रिजेक्शन से, या आप वो रिलेशनशिप टूट गया तो आपको ये लगता है कि मैं किसी के लायक ही नहीं हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। आपसे भी ख़राब लोग इस दुनिया में हैं, मैं आपको बता दूँ, आपसे भी ख़राब लोग हैं और वो भी अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पर ख़राब और अच्छे का तो कोई सवाल ही नहीं होता, हर इंसान अपने आप में अच्छा होता है। ये चीज़ है कि वो जो इंसान था, जो वो लड़की थी या जो भी वो लड़का था, वो आपके लिए नहीं बना हुआ था, वो आपके लिए परफेक्ट नहीं था, और अच्छा हुआ कि रिलेशनशिप टूट गया। अब ज़रा सोचो, शादी के बाद ही होता और आपका एक बच्चा है, आपका एक बच्चा है, आपकी बीवी है, और आपकी बीवी के साथ आपकी बनती नहीं है, आपके पास एक बच्चा भी है, तो क्या आप इतनी आसानी से उसे छोड़ सकते हो? बच्चे का क्या होगा? 10 तरह की चीज़ें होती हैं। ये तो अच्छा हुआ कि रिलेशनशिप बिना शादी के पहले ही टूट गया, नहीं बनी बात, ये अच्छा हुआ, पहले ही बच गए। भगवान ने एक दूसरा चांस और दिया है कि आपको शायद इससे भी अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, और आप सोच रहे होंगे नहीं यार मैंने तो बहुत अच्छे मोमेंट स्पेंड किए थे, वैसा कहाँ मिलेगा, वो तो वो थी। नहीं, ये अभी लग रहा है, जैसे ही वक्त बदलेगा, टाइम और आएगा नया, तो आपको और अच्छा लगने लगेगा। अब लोग ये करते हैं कि अपने आप को कम समझते, कम नहीं समझना,
आप अपने आप में ऑसम है, विश्वास करो, यू आर ऑसम, आप एक अच्छे इंसान है, आप अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। ये सोचो कि दुनिया में आपके जैसा कोई नहीं है, सिंगल पीस है आप इस पूरी पृथ्वी में, मेरे जैसा जो मैं अपनी अपने बारे में बता रहा हूँ, अभिषेक सागर ऐसा YouTube पर ये करता, हर एक बारीक चीज मेरे जैसी एग्जैक्टली कोई कॉपी कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता, मेरे फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर सकता। तो मैं इतने लाखों करोड़ों लोगों में एक हूं, तो जरा सोचो क्या इंपॉर्टेंस है मेरी, कितना इंपॉर्टेंट हूं मैं दुनिया में, एक हूं, सिर्फ एक सिंगल पीस। अपनी इंपॉर्टेंस को समझिए, आप अपने आप में खूबसूरत हैं, आप अपने आप में बेटर हैं, बेस्ट हैं, और यही आपको समझ के चलना है। अब खाली समय आपके पास बहुत हो जाएगा। अब आप जब बात कर रहे होते हैं रिलेशनशिप में, क्या होता है कि टाइम का पता नहीं चलता, रात रात भर चैटिंग में टाइम निकल जाता है, ये चीज़ करने में, गिफ्ट करने में, कोचिंग में पीछा करने में, उसके बारे में सोचने में टाइम निकल जाता। अब वो आप नहीं कर रहे हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, इस खाली टाइम में आपका दिमाग सोचता उसके बारे में और आपको परेशानी और होती है। तो अब आपको करना ये है कि उस टाइम को रिप्लेस करना है, उस टाइम पर कुछ और चीज़ें करनी है। क्या आपका जन्म सिर्फ प्यार करने के लिए हुआ, रिलेशनशिप के लिए हुआ है? नहीं हुआ है। आप लाइफ में और अच्छी चीज़ें कर सकते हो, मे बी आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेल सकते हो, मे बी आप यूट्यूब पर वीडियोस बहुत अच्छी बनाते हो जैसे मैं बनाता हूँ, हाँ मुझे लगती है अच्छी है, लेकिन अच्छी ही होती है। और कुछ चीज़ आप कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ आप टाइम नहीं स्पेंड करते थे, ये सच्चाई है। जो रिलेशनशिप में लोग होते हैं वो अपने दोस्तों को समय नहीं दे पाते, कितने साल हो गए आपको जो पुराना दोस्त है उससे कभी बात नहीं की, ठीक से बात नहीं की, ये वक्त है, उनके साथ जाओ, बातें करो। लड़के बैठ के क्या करते हैं, पार्टी करने का मतलब सिर्फ दारू पीना ही नहीं होता, अच्छी चीजें खाओ, पार्टी करो, एंजॉय करो, मूवी देखो, घूमने जाओ, शॉपिंग करो, इतनी सारी चीजें, घर से बाहर निकलो, घर में मत पड़े रहो, SMS पढ़ रहे पुराने घर में बैठ के कोने में रो रहे हैं, ऐसे इंसानों की दुनिया में किसी को जरूरत नहीं है। बाहर निकलो, दोस्तों से मिलो, और ऐसा हो सकता है कि आप जब बाहर निकलो दोस्तों से मिलो तो कोई और लड़की मिल जाए, कोई और अच्छा लड़का मिल जाए अगर दोस्तों के साथ घूमोगे। तो अपने टाइम को थोड़ा सा अच्छे से यूटिलाइज करो, कोई हॉबी है आपकी वो करो, पढ़ाई करो साथ साथ, लेकिन अगर आप स्कूल में हो कॉलेज में तो पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई का टाइम तो होना चाहिए, उतना पढ़ना ही है, उसके बाद जो खाली टाइम बच जाता है जहाँ आप चैटिंग करते थे, फालतू चीज़ करते थे, अब कुछ और करो, कुछ और नई हॉबी डेवलप करो, कुछ नई चीज़ सीखो, मे बी कोई नया कोर्स करो, म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर लो, डांस क्लास ज्वाइन कर लो, ऐसी जगह जाओ जहाँ पर आप नए लोगों से मिल पाओ, आपकी दुनिया ही पूरी अलग बदल जाएगी और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आपके पास इतना वक्त ही नहीं होगा कि आप उसके बारे में सोच पाएं, नहीं सोच पाएंगे, आप ऑक्यूपाइड रहेंगे पहले से ही, आप डांस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, नई नई चीजें कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, और वर्कआउट करना, मैं आपको ये नेक्स्ट टिप यही होने वाली है कि वर्कआउट करना शुरू कर दो। अगर आप 13 साल के हैं, 14 साल के हैं, 12 साल के हैं, तो आप हैवी लिफ्ट ना करें, वजन ना उठाएं, लेकिन आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, बास्केटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं। अगर आपकी उम्र 17, 18, 19 साल है तो जिम जाइए, वर्कआउट कीजिए, बॉडी अच्छी कीजिए, फिट रहिए, और अपने फोटोशूट लीजिए यार, फिट रहिए, फिट बंदे बनिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि आप गलती से भी, और मैंने कहा गलती से भी, उससे बात मत करो, खत्म हो गया वो, क्या जरूरत है उसको मिस कॉल करने की, क्या जरूरत है बार बार उसके फेसबुक प्रोफाइल को जाकर देखने की। ऐसा भी हो सकता है उसने आपको ब्लॉक कर दिया हो, ऐसा हो सकता है आपने उसको ब्लॉक कर दिया हो, अब उससे कनेक्शन आपको नहीं रखना। मैं बताता हूँ क्यों नहीं रखना, अब वो आपकी लाइफ में नहीं है, अब कोई मतलब नहीं बनता कि आप उसकी जासूसी करो, वो क्या कर रही है या वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कोई मतलब नहीं बनता। मे बी वो दूसरे लोगों के साथ होगा, आपको क्या पता, वो एंजॉय कर रहा हो, क्या पता, ऐसा हो सकता है। क्यों देख के अपने आप को और जला रहे हो, खत्म गया वो, खत्म करो सब कुछ, ब्लॉक कर दो, मत करो कॉन्टैक्ट। जितना आप उससे ज्यादा कॉन्टैक्ट करते रहोगे, ये चीज आपको अंदर ही अंदर और खाती जाएगी, क्योंकि आपको ये बार बार याद आएगा कि वो इंसान आपकी लाइफ में था और वो चला गया। कॉन्टैक्ट कट कर दो, कोई जरूरी नहीं है, क्या कॉल, अगर वो कॉन्टैक्ट करता भी है तो कॉल मत पिक करो, हो गया खत्म भैया, खत्म, जब ऐसे ही था तो क्यों गए, ऐसे क्यों किया, वो खत्म, अब कोई मतलब नहीं बनता। पहले कोशिश करनी चाहिए फिक्स करने की, तब जब कोई गुंजाइश हो, यहां हम बात कर रहे हैं जब कोई गुंजाइश नहीं, जब ब्रेकअप हो जाए, राइट, तब ये चीज करनी, और ब्रेकअप कर ही लेना चाहिए जब नहीं बन रही बात, जब कुछ भी चीट हुआ है, जब नहीं बन रही तो कर लेनी चाहिए, तो आगे भी दुखी रहोगे, जो चीजें अभी हुई हैं फिर होंगी, बार बार ब्रेकअप पैचअप, फिनिश। कॉन्टैक्ट नहीं करना, जब कॉन्टैक्ट नहीं करोगे तो धीरे धीरे 21 दिन लगते हैं असर देखने में, कि आप जब भूलने लगते हैं, 3 महीने के अंदर साफ, और लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी, आपको लगेगा, आपको याद रहेगा कि हाँ वो था मेरी लाइफ में, बट परेशानी नहीं होगी, जो हर्ट होते हैं ना वो नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और उसकी जो मेमोरी, जो भी चीज़ गिफ्ट विफ्ट दी है, वो सब या तो लौटा सकते हो तो उसी वक्त जब ब्रेकअप हुआ तो लौटा दो, या कार्ड वार्ड हैं जो आप नहीं लौटा सकते 2-2 रुपए के, तो उन्हें फाड़ के साइड करो, उनको रखने का कोई मतलब नहीं रह गया है अब।
और अगली चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि अब जैसे ही आपका ब्रेकअप हुआ आप तुरंत नए रिलेशनशिप में ना जाएं। ऐसा लोग करते हैं कि वो पुरानी यादें भुलाने के लिए नए रिलेशनशिप में चले जाते हैं, नया बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, नई गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि अरे यार अब नया रिलेशनशिप तो पुराने के बारे में भूल जाऊंगी या भूल जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। जो ये आप कर रहे हैं ये टेम्प्ररी एक दर्द को भुलाने के लिए, एक चीज़ को भुलाने के लिए दूसरा और बला ले रहे हैं। ये तो ऐसा ही हो गया कि एक बीमारी को कम करने के लिए दूसरी बीमारी को आप अपने अंदर ले रहे हैं, तो जो कि गलत है। आपका पेन और आपका जो भी तकलीफ है वो आगे चलकर डबल होने वाली है, तो ऐसा नहीं करें। थोड़ा टाइम दें अपने आप को, थोड़ा सा आपको खराब लगेगा लेकिन वो धीरे 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 खत्म हो जाएगा जैसे जैसे आप और दूसरी एक्टिविटी में इंगेज हो जाएंगे और कुछ करने लगेंगे, दोस्तों से मिलने लगेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने जो बताई ये करने लगेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये मेरे कुछ टिप्स थे एक ब्रेकअप को एक जेंटलमैन की तरह या एक अच्छी लड़की की तरह, सभ्य लड़की की तरह हैंडल करने के, किसी को भी नुकसान ना पहुंचाएं। कई लोग क्या करते हैं ब्रेकअप करने के बाद उसको थप्पड़ मारते हैं, उसके उसकी गाड़ी उसके स्कूटी का टायर पंचर कर देते हैं, उसको परेशानी पहुंचाते हैं। तो ये परेशानी आपको नहीं पहुंचानी चाहिए। वो इंसान है, रिस्पेक्ट करें, वो नहीं है आपके लिए ठीक वो अलग बात है। अब कई लोग होता है कि लड़कियां ना कर देती हैं, एसिड अटैक करते हैं, लड़की को नुकसान पहुंचाते हैं, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है, ये कभी नहीं करना चाहिए। वो अपनी जगह ठीक है लेकिन वो आपके लिए ठीक नहीं है, तो आपको कोई हक नहीं है उसको नुकसान पहुंचाने का। उसके लिए उसकी लाइफ में उससे बेटर लड़का उसे मिलेगा जो उसके लिए परफेक्ट होगा, आपके लिए परफेक्ट मिलेगा। तो इस बात को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। आशा करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि ब्रेकअप कैसे हैंडल करना होता है, कैसे आपको आगे बढ़ना होता है, क्या चीज़ें आपको करनी होती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर उस कमेंट में सबसे ज़्यादा लाइक्स आएंगे तो मेरी अगली वीडियो उसी टॉपिक पर होगी, चाहे वो रिलेशनशिप के ऊपर हो, हेल्थ के ऊपर हो, ग्रूमिंग के ऊपर हो, किसी भी चीज़ के ऊपर हो, वो क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने बता दिया सबसे ज्यादा लाइक्स नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर होगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।